Hello kids, how are you? So you already learned mirror image, vertical mirror image in our previous video. But थोड़े से alphabets हमारे बच गए थे, so we will cover those alphabets today. So we are going to learn in this video is mirror image, specially mirror image of alphabets. Okay, so here we are saying we are taking a vertical mirror. Vertical mirror means standing mirror. So duty आप सब लोग को hello बोल रही है. Pre image and the image are images from this side, from your left side, and उसका जो reflection बनेगा वो हमारा right side में बनेगा. सो हमने लास्ट वीडियो में के तक ले लिया था. आफ्टर के देर इज नेक्स्ट अल्फाबेट एंड दैट इज एल. लुक हियर, एल एल द मिरर इमेज इज द रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा. लुक, एल मिरर की तरफ देख रहा है, सो द रिफ्लेक्शन इज बिकम फ्लिप नाउ. लुक, यस, ओके. एल का रिफ्लेक्शन वो भी मिरर की तरफ देख रहा है. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज एम. एंड आपने पहले कर ही लिया है कि एम का जो वर्टिकल मिरर इमेज होगा वो बिल्कुल सेम बनेगा. आफ्टर एम देर इज अ नेक्स्ट अल्फाबेट दैट इज एन. एन फॉर नेस्ट, गुड. लुक, सो अब एन का कैसा मिरर इमेज बनेगा विल चेक. तो हम रिफ्लेक्शन में इसे फ्लिप कर देते हैं. लुक, व्हेन इट इज फ्लिप, आप लोग देख रहे हैं कितना डिफरेंट शेप बन गया है. इसका जो जहां से एन का स्लैंट लाइन है, जिस पॉइंट से जुड़ रहा है, वो पॉइंट मिरर के बहुत नियर है. तो आप देखेंगे जो रिफ्लेक्शन बन रहा है तो स्लैंट पॉइंट, स्लैंट लाइन स्टैंडिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, वो भी रिफ्लेक्शन की, वो भी मिरर से बहुत पास है. ओके, नाउ आफ्टर एन दैट इज नेक्स्ट अल्फाबेट इज ओ. आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि ओ का भी सेम मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा. आफ्टर ओ, यस, नेक्स्ट इज पी. तो हम एल को साइड कर देते हैं. पी, लुक हियर, द पी, द फेस ऑफ पी इज टुवर्ड्स मिरर. अब ये पी भी फ्लिप हो जाएगा तो आप देखेंगे उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर की तरफ फेस कर रहा है. यस, देखिए, वाओ. नाउ नेक्स्ट आफ्टर पी क्यू, वेरी गुड. क्यू, लुक हियर, क्यू क्यू एंड ओ में डिफरेंस है केवल टेल की. क्यू के टेल होती है, ओ की नहीं. तो यहाँ पे क्यू की जो टेल है वो मिरर की तरफ है. जब हम इस लेटर को फ्लिप कर देते हैं तो आप ये देखेंगे कि क्यू की टेल मिरर की तरफ होगी. तो देखिए ये भी डिफरेंट हो गया. यस, वेरी गुड. नाउ अब हम क्यू के बाद लेते हैं, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है क्यू के बाद? आर, वेरी गुड. क्यू के बाद आता है आर. आर फॉर इट्स माय नेम राशि. लुक हियर, आर का फेस है वो भी मिरर की तरफ है. अब जब ये लेटर फ्लिप करेगा वर्टिकल मिरर इमेज उसका बन जाता है ऐसे. देखिए तो रिफ्लेक्शन भी मिरर की तरफ देख रहा है. आफ्टर आर विच अल्फाबेट विल बी देयर? एस. एस फॉर सन. यस, एस फॉर सन. ये देखिए एस का फेस भी मिरर की तरफ है. जब ये एस फ्लिप करेगा तो आप देखेंगे
कितना अच्छा बन गया है। ये रिफ्लेक्शन भी मिरर की तरफ देख रहा है। सो दिस इज एस का वर्टिकल मिरर इमेज। आफ्टर एस टी, एंड टी आपने ऑलरेडी किया था। टी का वर्टिकल मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगा। आफ्टर टी यू, यू का भी बिल्कुल सेम मिरर इमेज बनेगा। आफ्टर दैट वी, वी का भी बिल्कुल मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगा। पी के बाद आता है नेक्स्ट अल्फाबेट इज डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू का भी मिरर इमेज बिल्कुल सेम बनेगा। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, एक्स का वर्टिकल इमेज भी बिल्कुल सेम बनेगा। आफ्टर एक्स इज वाई, लेट्स टेक अ वाई, यस दिस इज आवर वाई, वाई फॉर याच, यस लुक हियर वाई। वाई का फ्लिप किया, वाई देखिए दो टू टाइप से बनाए जाते हैं। वन हमने स्लैंट लाइन से लिया है और एक डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं। सो ये देखिए स्लैंट लाइन है ना, डिफरेंट, यहाँ दूर था मिरर से तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दूर है। सो वाई, आफ्टर वाई लास्ट अल्फाबेट, यस जेड, और वी कैन से जी। सो हियर इज आवर जेड। तो मैं ये सब हटाती हूँ। सो अब आप बताओ कि कैसा बनेगा जेड का मिरर इमेज, देखेंगे। मिरर ये लीजिए आपका जी, यस कोई डिजाइन बन गई ना, यस वेरी गुड। सो किड्स अब हमारे सारे अल्फाबेट्स के वर्टिकल मिरर इमेज आप लोगों ने सीख लिया है। तो चलिए अब हम कुछ लेटर्स का, कुछ वर्ड का, सॉरी वर्ड का मिरर इमेज बना के देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए पेंसिल और नोटबुक लेके रेडी हो जाइए। तो पेंसिल और पेपर ले लिया आपने, तो आइए सबसे पहले देखिए हम जो वीडियो है वो यूट्यूब पे देख रहे हो आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम यूट्यूब का ही वर्टिकल मिरर इमेज बनाएंगे। सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ यूट्यूब, और सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वाई ओ यू टी यू बी ई यूट्यूब। अब मिरर मिरर से आप देखेंगे कितनी दूर ई है, तो हम उतनी ही दूर लेंगे और हर एक लेटर को ध्यान में रखेंगे कि उसका फेस किधर है। जैसे ई का फेस मिरर की तरफ है तो हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। अब थोड़ा बहुत बनाने में देखिए, बी का फेस मिरर की तरफ है। अब यू, यू का आप लोगों ने सीखा था कि सेम वर्टिकल मिरर इमेज बनेगा। यू के बाद टी आएगा, टी का भी सेम वर्टिकल मिरर इमेज, यू का सेम वर्टिकल मिरर इमेज, ओ का भी बिल्कुल सेम वर्टिकल मिरर इमेज बनेगा, एंड वाई का, यस देखिए डन है ना, डिफरेंट, यस। नाउ अब आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, मैथ्स, तो अब हम मैथ्स की मिरर इमेज बना के देखेंगे। एम ए टी एच एस, आप देख रहे हैं कि एस सबसे पास है मिरर के, तो हम एस को सबसे पास, एस से स्टार्ट करेंगे और एम पर फिनिश करेंगे। तो एस देखिए कैसा बन रहा है, एस का फेस यहाँ है मिरर की तरफ, तो हम भी इसमें सब लोग मोस्टली वो हो जाते हैं एस। एच का फेस, एच का मिरर रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम बनेगा। एच के बाद आता है टी, टी का बिल्कुल सेम वर्टिकल मिरर इमेज बनेगा, ए का भी बिल्कुल सेम बनेगा, एंड एच का भी बिल्कुल, सॉरी ए के बाद एम आएगा, तो एम का भी बिल्कुल मिरर इमेज सेम बनेगा। देखिए
वेरी गुड। नाउ हमारे चैनल का नाम है मैथ्स फन लर्निंग, तो अब हम फन का भी बना लेते हैं। एफ यू एन, एन में जैसे अभी आप लोगों ने देखा ही था, जो स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन मिल रहा है वो मिरर के पास है, तो हम यहाँ रखेंगे एंड देन एन। यू का मिरर इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज बिल्कुल सेम है, एफ मिरर की तरफ देख रहा है तो हमें ऐसे बनाना है। यस, अब उसके बाद आते हैं लर्निंग। लेट्स स्टार्ट लर्न, राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ लर्निंग। एल ई ए आर एन आई एन जी। अब देखिए सबसे पास कौन सा है, जी से स्टार्ट करेंगे और एल पे फिनिश करेंगे, तो जी एन। एन का देखिए जो स्लैंटिंग लाइन है नीचे से ऊपर, आईज बिल्कुल सेम मिरर इमेज बनेगा, एन का अगेन टेढ़ा हो गया। आर मिरर की तरफ देख रहा है इसलिए आर, आर के बाद ए, तो आप लोग को पता ही है ए का सेम वर्टिकल मिरर इमेज। ई का फेस मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ, एल का फेस भी मिरर की तरफ है, मिरर की तरफ, ये देखिए, वेरी गुड। अब आप लोग को तो सब जीनियस हो ही गए हैं, लेट्स मेक अ वन मोर स्पेलिंग एंड दैट इज ओलंपियाड, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड में बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैथ्स ओलंपियाड हो गया, साइंस ओलंपियाड हो गया, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ ओलंपियाड। ओ एल वाई एम पी आई ए डी। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग भी उल्टी लिखेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, ओ पे फिनिश हो जाएगा जो रिफ्लेक्शन है। डी का जो बैक है वो मिरर की तरफ है, तो यहाँ पे भी जो डी का बैक होगा वो मिरर की तरफ। ए का आपको पता ही है बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन, वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन सेम बनेगा। आई का भी बिल्कुल वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन सेम बनेगा। पी मिरर की तरफ देख रहा है तो पी यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन में मिरर की तरफ देखेगा। आफ्टर दैट एम, एम का भी मिरर रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम आएगा, वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन। उसके बाद वाई, वाई तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। आफ्टर दैट एल, ये देखिए ओ इज द अल्फाबेट विच हैज अ सेम मिरर रिफ्लेक्शन, वर्टिकल मिरर। सो किड्स आज आप लोगों के सारे वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन में सारे अल्फाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए इसे, और अपने नाम लिखिए, अपने पेरेंट्स के नाम लिखिए, फ्रेंड्स के नाम लिखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो इन्जॉय दिस एक्टिविटी, इन्जॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Thank you and share with your friends. Bye-bye.